दोस्तों एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप पकड़ पाए तो बिगनर्स और इंटरमीडिएट एथलीट जो अभी बहुत बड़े लेवल पर कम्पीट नहीं करते हैं, उनके लिए आप अपना बेस्ट वर्कआउट करते हैं वो आज के लिए बेस्ट है, लेकिन उसमें मार्जिन होता है नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने का। अब आप जिस वेट से 6 से 10 रैप के बीच आपके टफ आते हैं, उस लोड को आपने बढ़ाना नहीं है, उसमें आपने सेम लोड सेम रेपिटेशन स्पीड को पुश करना है, स्पीड बढ़ानी है। जब आप ज़्यादा स्पीड से वेट उठाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे। जब आप वही 6 से 10 रैप जो स्लो स्पीड में आते थे आपके, उसको फास्ट कर पाए आप, उसके बाद उसमें आप रेपिटेशन बढ़ा दें। जब आप स्पीड से उसको उठाने लग जाएँ फिर रैप बढ़ा सकते हैं। और जिस लोड से आपके 10 से 14 रैप के बीच टफ होते हैं उसमें आपने लोड बढ़ा देना है। अगर 14 रैप के आसपास आप लगा पा रहे हैं किसी वेट से, आप बल्किंग फेज में, तब हैवी ट्रेनिंग आपकी इंटेंस ट्रेनिंग है, तब उस पर आपने लोड बढ़ाना है। लोअर रैप रेंज पे आपने स्पीड को पुश करना है और रेपिटेशन बढ़ानी है। हायर रैप रेंज पे जो आपका फर्स्ट वर्किंग सेट होता है वहाँ पे आपने लोड बढ़ाना है। तो पहला वर्किंग सेट 14, 15, 16 रैप तक जाएगा टफ, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे वेट, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लास्ट सेट में 6, 7, 8 रैप भी आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस रैप को 6, 7, 8 रैप जो उसमें स्पीड को पुश करना है और धीरे धीरे फिर उसमें वेट को ऐड करेंगे। फिर आपका जो लास्ट वर्किंग सेट है वो चेंज हो जाएगा 3-4 वीक के बाद। अब ये वेट तो आप इजी उठाने लगे, अब आप लोड बढ़ा सकते हो उसमें। इस तरीके से ट्रेनिंग को प्रोग्रेस करना है। पता नहीं आप कितना पकड़ पाएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल एथलीट को किसी को देखोगे ना, आपकी और उसकी ट्रेनिंग में यही फ़र्क है। वो बड़ा एक्सप्लोजिव मूवमेंट के साथ वेट को पुश करता है, कोई भी एक्सरसाइज, पुलिंग या पुशिंग जो भी एक्सरसाइज है, आप उसी वेट को धीरे धीरे कंफर्ट से उठाते हैं और यहीं पे सारा खेल है। इस चीज़ को अगर आप पकड़ पाएंगे तो बड़ा आपकी ट्रेनिंग में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। थैंक यू।